Assalamualaikum दोस्तों, आप देख रहे हैं सिग्मा एग्जाम्स प्रेप यूट्यूब चैनल। बीपीएस 11, 9, 12, 13, 14 की पाकिस्तान में जितनी भी पोस्ट आती हैं, चाहे एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, एएसआई, लैब असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर, जितनी भी पोस्ट आती हैं उनकी तैयारी के लिए पास्ट पेपर की एक फुल क्रैश सीरीज आपके पेश नजर हम लोगों ने की है। इसमें आपके तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर होंगे और इंशाल्लाह ताला, और ये शॉर्ट टर्म तैयारी के लिए आपके पास वक्त कम है, ये पेपर बहुत ही मुफीद है आपके लिए। और याद रखिएगा, टॉपर्स बच्चे हमेशा पास पेपर कवर करके जाते होते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट पास पेपर आपके पेश नजर है, नेक्स्ट पेपर अपलोड हो चुका है या जब आप फोन यूज कर रहे हो तो आपके सामने वीडियो आ जाए। हमारा पेपर नंबर 3 है, पहले एमसीक्यूज देखे हैं। ही इज नॉकिंग डैश द डोर, तो ही इज नॉकिंग एट द डोर होता है प्रीपोजिशन, याद रखिएगा। सेकेंड, इफ द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि जो कल गुजरा उससे पहले वाला दिन हमारे पास सैटरडे था, तो ये तो यहाँ से आपने सबसे पहले आज का जो दिन है वो देख लेना है, आज का दिन क्या होगा। अगर कल परसों जो था, परसों हमारे पास सैटरडे था, तो आज हमारे पास क्या होगा, मंडे है। आज मंडे है तो डे आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद वाला दिन। आज मंडे है तो कल ट्यूसडे, ट्यूसडे से नेक्स्ट डे क्या होगा, द डे आफ्टर टुमारो वेंसडे होगा, तो इसका वेंसडे आंसर है। थर्ड, इसका आंसर नहीं दिया होगा। फोर्थ, द अर्थ इज डैश लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो अर्थ है वो हमारे पास फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, याद रखिएगा। और जुपिटर जो हमारे पास है सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फाइव, द कोलोसियम एंड द फोरम आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर इन रोम, तो रोम में हमारे पास कोलोसियम एंड फोरम एक जगह का नाम है जो कि आमने सामने है, बिल्कुल रोम में ये पाई जाती हैं, कोलोसियम एंड फोरम, याद रखिएगा। सिक्स देखें, अ जॉय स्टिक इज एन डैश डिवाइस, अ जॉय स्टिक हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। सेवन, डाटा स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क कैन आल्सो बी सेव्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे इसका भी नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट देखते हैं। एट, इन अ विंडो पी सी कंट्रोल प्लस वाई इज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन द शॉर्टकट फॉर रीडूइंग, तो रीडो के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस वाई होता है, याद रखिएगा। ये कंट्रोल प्लस वाई से रीडो होता है और कंट्रोल प्लस जेड से अनडू होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। कंट्रोल प्लस जेड से अनडू और कंट्रोल प्लस वाई से रीडो। नाइन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो कायदे से मोहम्मद अली जिना पहले गवर्नर जनरल थे। टेन, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डाटा सच एज टाइल व्यूड ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले इज कॉल्ड, यहाँ पे नहीं दिया हुआ इसका, सॉरी। 11, when was the first battle fought by Muslims, तो पहला जो बैटल था हमारे पास दो हिजरी में लड़ा गया, दो हिजरी में पहली जंग हुई मुसलमानों की। 12, which amongst the following is the smallest unit of storage, तो बिट हमारे पास smallest unit of storage है, याद रखिएगा। और एक बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक बाइट में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं, 8। 13, प्रोग्राम्स रिटर्न टू मेक कंप्यूटर्स फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम्स जिनको अपनी मर्जी के मुताबिक कंप्यूटर से फंक्शन लिया जाए, ऐसे प्रोग्राम, तो उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 14, विच इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी इसका फुल फॉर्म है, वायरलेस फाइडेलिटी, याद रखिएगा। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू क्लोज अ रन डायलॉग बॉक्स इन अ विंडो, तो एस्क हमारे पास जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड के, तो इससे हमारे पास करंट जो रनिंग डायलॉग बॉक्स होता है वो हमारे पास क्लोज हो जाता है। 16, साना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, साना SANA, तो सीरिया की ये न्यूज़ एजेंसी है, याद रखिएगा। 17, कंप्लीट द सीरीज़, 4, 9, 16, 25 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 36 आएगा, याद रखिएगा। 18, गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द CR फार्मूला प्रिपेयर्ड बाई राजा गोपाल आचार्य, तो जिना गांधी टॉक्स कब हुई थी, 1944, ये एक MCQs है। और किसको डिस्कस किया था, CR फार्मूला को, जो कि राजा गोपाल आचार्य की तरफ से पेश किया गया था, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रखिएगा। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज़ यूज टू अलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन MS Word, तो लेफ्ट तरफ अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस L होता है और राइट की तरफ कंट्रोल प्लस R, और सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस E होता है, याद रखिएगा। 20, ऐड नाउ हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन, ऐड नाउ हार्डवेयर, ये कंट्रोल पैनल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है,
एंड नाउ हार्डवेयर कहाँ पे मौजूद है, कंट्रोल पैनल में, याद रखिएगा। 21 देखें, इंडिया इज बिल्डिंग द किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑन अ रिवर। तो ये हमारे पास दरियाए आई थिंक झेलम पे कर रहा है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। 22 इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज नाउन एज फाइल मैनेजर। इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सप्लोरर इज नाउन एज फाइल मैनेजर। विंडो के अंदर विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है वो फाइल मैनेजर होता है। 23 बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। बर्ड्स आर क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, याद रखिएगा, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 24 कोलोसियम रिपीट हुआ है, कोलोसियम एन एम्फीथिएटर वाज बिल्ट इन, तो ये रोम में है, कोलोसियम और फोरम जो कि आमने सामने हैं बिल्कुल रोम में पाए जाते हैं। 25 सी एल आई स्टैंड्स फॉर, तो आज काफ़ी ज़्यादा MCQs मिसिंग है तो उसके लिए माजरत, ये पहली दफ़ा हो रहा है मेरे पेपर्स में। 26 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 प्लस 3, तो बोर्ड मैथ्स रूल से इसको सिंपली हल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा, इसको बल्कि मैं हल करा देता हूँ। ये आखिर में देखिए प्लस 3 माइनस 3 ये तो कट जाएंगे, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 9 प्लस 3 12 इसका आंसर है। 27 हाइड्रोफोबिया इज सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो हाइड्रोफोबिया रेबीज़ एक बीमारी है, जब हो जाए तो हाइड्रोफोबिया एक सिम्टम सामने आ जाती है। 28 द मर्डर ऑफ आर्क ड्यूक फर्डिनेंड द हायर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ विच वार। जो मर्डर हुआ था एक ऑस्ट्रियन थ्रोन का, किंग का, ऑस्ट्रियन जो किंग थे तो उनके कत्ल होने के बाद ही वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई थी। 29 मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन RS 40,000 एट द रेट ऑफ 3% एनुअली फॉर 4 years इन्वेस्टमेंट। तो इसका 4800 आंसर है, इसको सिंपली हल करेंगे। यहाँ पे मैं हल नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए अलहदा से प्ले लिस्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, चैनल को ज्वाइन करके रखें। 30 देखें, ऑन वन वे टू ओपन द हेल्प मेन्यू क्विकली इज टू प्रेस द फंक्शन शॉर्ट की। तो F1 से हमारे पास हेल्प मेन्यू ओपन हो जाता है। 31 व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ PIA। तो PIA का ओल्ड नेम ओरिएंट एयरवेज था, ठीक है, यहाँ पे MCQs बन सकता है। सबसे पहली जो एयरवेज थी पाकिस्तान की तो कौन सी थी, ओरिएंट एयरवेज थी, और ये PIA का पुराना नाम है। 32 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब वायोलेट करना, ठीक है, सिनोनिम इसके इनफ्रिंज का क्या, वायोलेट है, याद रखिएगा। 33 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इराकी प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी डिक्लेयर्ड विक्ट्री ओवर ISIS ऑन July 10, 2017। तो ये हमारे पास इसका यहाँ पे नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। 34 चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव। आई हैड होप डैट दे वुड फिक्स माई लॉकर वाइल आई वॉज अवे बट दे डिडंट। तो इसका है, आई हैड होप्ड डैट माई लॉकर वुड बी फिक्सड वाइल आई वॉज अवे बट इट वॉज नॉट, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है, वो से देखें इसको। नेक्स्ट 35 सतपारा लेक इज़ इन, सतपारा लेक हमारे पास सकरदू में, याद रखेगा सतपारा लेक कहाँ पे है, सकरदू में, याद रखेगा। 36 फंक्शन ऑफ अ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू डैट ऑफ माउस, ठीक है, माउस की तरह ही जॉयस्टिक का हमारे पास कंप्यूटर में फंक्शन होता है। 37 स्लाइड डैश आर द इफेक्ट्स डैट डिटरमिन हाउ अ स्लाइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द व्यू इन द स्लाइड व्यू। तो एनिमेशन है हमारे पास, सॉरी स्लाइड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर इन और आउट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 38 फाइंड द एवरेज ऑफ 5/6 4/3, 3/4, सिंपली इनको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। 39 बाला हिसार द एलिवेटेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन। तो बाला हिसार हमारे पास जो है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सॉरी फॉर डैट। 40 माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ जनरेशन एक कंप्यूटर है, उनके लिए स्विचिंग डिवाइस है। 41 चेयरमैन मैओ वॉज द कैरिस्मेटिक एंड ब्रूटल लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ऑफ चाइना। तो चेयरमैन माओ एक कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चाइना की मशहूर पार्टी है उसके लीडर रह चुके हैं, चेयरमैन माओ। 42 मैथमेटिकल क्वेश्चन, इसका 36 आंसर है। 43 इन विंडोज PC द शॉर्टकट फॉर कोपिंग इन माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल प्लस C। 44 हु इन्वेंटेड द क्यूवर्टी कीबोर्ड। तो क्यूवर्टी जो हमारे पास कीबोर्ड है वो क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने इन्वेंट किया, याद रखिएगा, किसने क्यूवर्टी कीबोर्ड इन्वेंट किया, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। 45 द थिन ब्लैक क्रॉस शेप्ड पॉइंटर इन MS एक्सेल इज यूज्ड टू, तो यहाँ पे इसका नहीं है, सॉरी फॉर डैट। 46 पे चलते हैं। इन वॉलीबॉल हाउ लॉन्ग
does each player have to warm up the ball and themselves before match on the match court? तो इसके अंदर कोई भी टाइम नहीं है जो कि रूल के मुताबिक मेंशन किया गया हो कि इतनी देर का वार्म अप होगा, वो एम्पायर की मर्जी से तो खुद ही देता है. 47 कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल तिराना है, याद रखिएगा. 48 वेयर वाज ऑलरेडी मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906, तो 1906 में ढाका में ऑलरेडी मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली गई. 49 इन कंप्यूटिंग व्हाट डज DOS स्टैंड्स फॉर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. 50 स्पिन बोल डेक इज इन, स्पिन बोल डेक एक जगह है जो कि अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा. डेट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. सॉरी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे पास मिस हो गए हैं, लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा ऐसा ना हो, तो सॉरी फॉर डैट. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. अल्लाह हाफ़.